Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई से मशरूत है। अमरीकी वजीर खारजा का पाकिस्तान आने से कबल एक बार फिर डू मोर का मुतालबा। Take action to undermine the support the Taliban receives and other terrorist organizations receive in Pakistan. As we've said in this whole strategy, this is a conditions based approach, and so our relationship with Pakistan will also be conditions based. It'll be based upon whether they take action that we feel is necessary to move the process forward of both creating the opportunity for reconciliation and peace in Afghanistan. Rex Tillerson आज अफगानिस्तान से इस्लामाबाद पहुंचेंगे। नए अमरीकी पॉलिसी के तनाजुर में अहम मुलाकातें भी करेंगे। भारतीय हुकूमत का मकबूजा कश्मीर में मुजाकरात का सिलसिला बहाल करने का फैसला। इंटेलिजेंस ब्यूरो के साबिक चीफ मुजाकरात कार मुकर्रर। भारतीय वजीर दाखला कहते हैं मकबूजा कश्मीर के हवाले से तमाम जमातों से बातचीत की जाएगी। हुर्रियत रहनुमाओं से भी बातचीत का इंडिया। महकमा इत्तला'आत सिंध में अरबों के करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम शर्जील मेमन को आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। शर्जील मेमन को गुज़श्ता रोज जमानत मुस्तरद होने पर अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया था। कौम लोड शेडिंग के खात्मे के कारनामे को याद रखेगी। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का बयान, कहते हैं साहिवाल कोल पावर प्लांट 22 माह में मुकम्मल किया गया है, आलमी रिकॉर्ड बन रहे हैं। बेरोजगारी और लोड शेडिंग साबिक हुक्मरानों के तोहफे हैं। नवाज शरीफ के जाने से मुल्क और मईशत पर असर पड़ा। गैर जमहूरी फैसले के असरात फौरी तौर पर नजर आना शुरू हो जाते हैं। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का इंटरव्यू, कहा आवाम ने नवाज शरीफ की नाअहली का अदालती फैसला तस्लीम नहीं किया। इमरान खान नाअहली केस की समाअत आज फिर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बादी नजर में दस्तावेजात में तजाद है, फर्क कहीं नहीं होगा। गुज़श्ता रोज होने वाली समाअत के दौरान रिमार्क्स। आयशा गुललई की रुकनियत मंसूख करने का मामला, इलेक्शन कमीशन आयशा गुललई के खिलाफ रेफरेंस पर आज फैसला सुनाएगा। 5 रुकनी बेंच ने दलाइल सुने बगैर फैसला महफूज किया था। कायदे आजम यूनिवर्सिटी एहतजाज और हड़ताल के बाद गुज़श्ता रोज जेरे हिरासत लिए गए तमाम तलबा रिहा। तलबा को वाइस चांसलर की दरखास्त पर गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद तलबा को मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में रखा गया था। पुलिस का मौके शिकारपुर में कच्चे के इलाके में पुलिस का सर्च ऑपरेशन, 12 मुलजिमान गिरफ्तार, भारी तादाद में असलहा बरामद। पुलिस ने मुलजिमान के ठिकाने नजर आतिश कर दिए। बुकटी में एफ सी और हसास इदारों की कार्रवाई, दहशतगर्दों के 3 कैंप तबाह कर दिए गए। बम भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। कराची के इलाके बल्दिया गुलशने मजदूर में पुलिस का सर्च ऑपरेशन, 12 अफराद जेरे हिरासत। औरंगी और मुबीना टाउन से 9 मुलजमान गिरफ्तार, असलहा और मनशियात बरामद। पेशावर के हल्का NH4 की जिमनी इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज, गहमा गहमी उरूज पर आज न्यूज की हल्का तहलका खसूसी ट्रांसमिशन। कारकुन अपनी जमातों की कामयाबी के लिए पुरुमीद। ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक आगही मुहिम, रात गए विफाकी दार हुकूमत इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद को गुलाबी रोशनियों से मुनव्वर किया गया। माह अक्टूबर में दुनिया भर में छाती के सरतान से आगही की मुहिम चलाई जाती है। आज इंसदादे पोलियो मुहिम का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पहली मरतबा ये दिन सन 2000 में मनाया गया था। दुनिया भर में पोलियो के मर्ज पर 99% काबू पाया जा चुका है, लेकिन पाकिस्तान, नाइजेरिया और अफगानिस्तान से पोलियो का खात्मा ताहाल मुमकिन नहीं हो सका।
आज अक्वामे मुत्तहिदा का भी आलमी दिन मनाया जा रहा है। 24 अक्टूबर 1948 को अक्वामे मुत्तहिदा का कयाम अमल में आया था।